आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार कहाँ रहते हैं? पवन विहार। कितनी एज आपकी? 48। 48। आपको क्या प्रॉब्लम है? आँखों से सही नहीं दिखता और सिर में भी दर्द रहता है सर। सिर में दर्द रहता है, चक्कर। ये आपको प्रॉब्लम कब से है? ये अभी 4-5 महीने से ज़्यादा हो गई, पहले नहीं थी इतनी। अच्छा अच्छा, कहीं और भी दिखाया आपने? एक दिल्ली में दिखाया था बस, एक बार दिल्ली में दिखाया था। वो क्या कहते हैं? उन्होंने खाली बस चश्मा एक बना के दे दिया था। ये क्या बीमारी बताई थी? मोतियाबिंद है या नहीं है? कुछ नहीं बताया है ये, कुछ नहीं, मोतियाबिंद तो बताया ही नहीं था उन्होंने। अच्छा अच्छा, ये वैसे जो आपका जो है मोतियाबिंद भी है और आपको केवल 2 लाने पढ़ पा रहे थे, हमने चेक किया चश्मे से 4 लाने पढ़ पा रहे थे, 1.25 नंबर लगा 6 लाने पढ़ी आपने। इसी तरीके से नज़दीक का केवल आपने 2 लाने पढ़ी। तो आपको कोई बीमारी भी है? बीमारी वो ये बताई, कैंसर की है। कैंसर की है, कैंसर की बीमारी। उसी दवाइयाँ खा रहे होंगे? हाँ हाँ, उसी के से आपका पर्दे की नसें भी सूख रही हैं, खराब हो रही हैं। राजीव गांधी कैंसर का ट्रीटमेंट, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको जो दवा डाले कितना टाइम हो गया? ऐसी हो गया 15 मिनट। 15 मिनट हो गए हैं, तो देखिए कुछ साफ हुआ या नहीं हुआ आपका, पढ़ के दिखाइए। AOXHVT XAU VOTH TMUAX इसके नीचे की। ये आपने जो है केवल 2 लाइनें पढ़ी थी चश्मे से, या 5 लाइनें पढ़ी थी और 1.25 नंबर लगाया था हमने, तो नीचे की 2 लाइनें 3 लाइनें नहीं पढ़ पाए थे ना। आपको दवा डालने के 10 मिनट बाद ही आपने जो है कितनी लाइनें पढ़ ली? 6.9 पे पहुंच गए आप। 6.9 से मतलब यह है कि आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें पढ़ ली। 6 लाइनें हैं, साफ हो गया? साफ हो गया। ये आपने 2 लाइनें पढ़ी थी, अब आप कितनी लाइनें पढ़ सकते हैं? पढ़िए। 205। ये क्या है? 3। ये क्या है? ये नहीं पढ़ समझ में आ रही है। देखिए क्या है? 2-1। ये क्या है? ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा, बहुत उमदा लग रहा। हाँ, केवल 2 लाइनें पढ़ रहे थे, अब 3-4 लाइनें हो गई हैं। ठीक, तो ये आपका इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया आपका है, तो ये आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। ये मिस्टर सुनील कुमार जी हैं, इनकी एज 48 है और पवन विहार बरेली के रहने वाले हैं। इनको कैंसर की बीमारी भी है और उसका इलाज भी चल रहा है, और इनके दोनों आँखों में मोतियाबिंद है, और जो इनका केवल जो है 2 लाइनें पढ़ पाते हैं, और इनके पर्दे में जो है वो मैकुलर डिजनरेशन भी हो रहा है, और इसमें जो पर्दे की नसें सूख रही हैं, और इनको जो है केवल नज़दीक का भी केवल जो है 2 लाइनें पढ़ पा रहे थे, यानी कि 24 पढ़ पा रहे थे। अब हमने जो है 10 मिनट पहले दवा डाली है, 10 मिनट डालने के बाद जो है इनकी जो जहां 2 लाइनें थी, यानी कि 6/36 था, अब ये 6/9 पे पहुंच चुके हैं 10 मिनट के अंदर। और इसी तरीके से जो पास की रोशनी जो थी वो भी जो केवल जो है 2 लाइनें थी, अब जो है 4-5 लाइनें पढ़ पा रहे हैं। इस तरीके से इनका जो है विज़न जो है आपका वापस आया है, तो ये अब ठीक हो जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है सर। ये मोतियाबिंद इनका हाँ खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, दवाई से खत्म हो जाएगा, साफ दवाई से, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये अब खाली मोतियाबिंद ही नहीं है, इनका पर्दा भी जो है जो दवाइयाँ खा रहे हैं कैंसर की, उसकी दवाई उस वजह से आपका पर्दा भी खराब हो रहा है, साइड इफेक्ट, वो साइड इफेक्ट की वजह से वो भी ठीक हो जाएगा। दोनों खा सकते हैं दवाई सर, कैंसर की भी? हाँ हाँ, ये तो ये आपको बड़ा हेल्पफुल करेगी कैंसर की। अच्छा, हेल्पफुल। ये जो दवाई हम दे रहे हैं ये कैंसर में भी बहुत हेल्पफुल करती है। अच्छा अच्छा, 7 तरीके का कैंसर ठीक कर चुके हैं हम। अच्छा, हाँ, और करते नहीं क्योंकि हमें ऐसी फुर्सत नहीं है। चलिए, ठीक।